नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सोचेंगे तो पाएंगे कि मनुष्य ने बहुत से कमाल की सफलता हासिल की है। इनमें से एक है हवाई जहाज। हम किसी पुराने प्लेन को बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने पिछली शताब्दी के भी सीमाओं को पार कर दिया है और कुछ बहुत ही प्रभावशाली और भयानक कृतियों का निर्माण किया है। कार्गो विमानों से लेकर बॉम्बर विमानों से डबल डेकर पैसेंजर लाइनर तक, अभी जिन विमानों के बारे में हम आपको बताएंगे वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि चीजें कितनी विशाल हो सकती हैं। इसके पहले कि आप इन बहुत ही विशाल विमानों के बारे में जानकर विचलित हो जाएं, सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। ह्यूज H4 हरक्यूलिस। आप शायद ह्यूज H4 हरक्यूलिस को इसके निकनेम से बेहतर जानते होंगे, द स्प्रूस गूज। प्रसिद्ध एविएटर हार्वर्ड ह्यूजेस द्वारा डिजाइन किया गया यह विशाल विमान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। इससे भी अधिक प्रभावशाली ढंग से कहा जाए तो यह लगभग पूरी तरह से लकड़ी से बनाया गया था। 8 इंजनों द्वारा संचालित इस दानव को लगभग 75 टन कार्गो के 2 टैंक ले जाने के लिए बनाया गया था। यकीनन यह कभी ऑपरेशन में नहीं आया, लेकिन क्योंकि यह उड़ा था और अब भी सबसे बड़े पंखों के लिए रिकॉर्ड रखता है, 320 फुट पंखों की लंबाई, हमें लगता है कि यह उल्लेखनीय है। कॉन्वेयर B-36 पीसमेकर। शीत युद्ध के दौरान बहुत से विमानों का निर्माण हुआ। वे विमान जो कि बड़े थे, तेज थे और लंबे रेंज तक काम करते थे। उस समय जब सभी जेट पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, तभी B-36 आया। जब यह सेवा 1949 में शुरू हुई तो यह बॉम्बर लगभग अप्रचलित था। बहरहाल एकमात्र हमलावर था जो परमाणु बमों के साथ सोवियत संघ पे वार करने के लिए रेंज रखता था, इसलिए यह बना रहा। B-36 वास्तव में हर तरह से बड़ा था। 230 फुट पंखों वाला यह अब तक का सबसे बड़ा जन निर्मित पिस्टन इंजन विमान बना हुआ है। यह इतना बड़ा था कि इसमें 13 आदमी चालक दल थे और 6 पिस्टन और 4 जेट इंजन द्वारा संचालित किया गया था। Antonov AN-22। यहाँ तक कि जेट शक्ति के वर्चस्व वाले दुनिया में AN-22 यह दिखाता है कि प्रोपेलर संचालित विमान भी एक छाप छोड़ सकता है। आप देखिए, Antonov AN-22 सिर्फ प्रोपेलर टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित ही नहीं है, बल्कि यह अब तक का सबसे बड़ा टर्बोप्रॉप संचालित विमान है। इन बड़े मालवाहक विमानों में से 68 का निर्माण किया गया है और वे वर्तमान में रूस और यूक्रेन में सेवा दे रहे हैं। AN-22 में 211 फीट का पंख है और 4 हथियारबंद वाहनों या 290 यात्रियों को ले जा सकता है। अतिरिक्त माप के लिए यहां तक कि इसके इंजन डुअल कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर के साथ प्रभावशाली दिखते हैं, जो हवा में सभी वजन को उठाने के लिए आवश्यक है। बोइंग B-52। इस अमेरिकी शीत युद्ध बॉम्बर के बारे में अविश्वसनीय बात यह है कि जो दल इसकी सेवा और उड़ान भरता है वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब 1962 में आखिरी B-52 की असेंबली हुई थी। यह अमेरिकी शस्त्रागार में सबसे बड़ा हमलावर नहीं है, लेकिन B-52 के पास 159 फुट की लंबाई और इसके पंख 185 फुट के हैं, जो कि इसे आयामी रूप से सबसे बड़ा बॉम्बर बनाता है। 8 जेट इंजन होना भी इसके आकार को बड़ा करने में सहायक है। अविश्वसनीय रूप से योजनाकारों ने 2040 तक इस बॉम्बर को उड़ाते रहने की उम्मीद की है। इसका मतलब यह है कि B-52 का जीवन काल उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक है जो पिछले कई दशकों से इसे उड़ा रहे थे। लॉकहीड C-5 गैलेक्सी। यदि आप कभी किसी एयर शो में गए होंगे और इनमें से किसी एक को देखने का मौका मिला हो तो आप जानते होंगे कि वे कितने बड़े हैं। लॉकहीड C-5 गैलेक्सी एक परिवहन विमान है जो यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री द्वारा उपयोग किया जाता है। इसमें 222 फुट का पंख है और यह 4 बड़े इंजनों द्वारा संचालित है। फिर भी इस विमान के वास्तविक आकार का तब पता चलता है जब इंटीरियर को खोल दिया जाता है। गुफाओं जैसा इंटीरियर राइट ब्रदर्स की पहली उड़ान की दूरी की तुलना में 1 फुट लंबा है। यह एक बार में 6 अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर या 5 ब्रेडली फाइटर वाहनों को ले जा सकता है। Antonov AN-124 काफी हद तक रूस द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स के लॉकहीड C-5 गैलेक्सी के जवाब में बनाया गया था। C-5 के 16 साल बाद यह रूसी सैन्य विमान 30 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन कार्गो विमान था।
जब तक कि एक और विमान द्वारा यह शीर्षक नहीं लिया गया, जिसे हम जल्द ही आपको बताने वाले हैं। AN-124 में 220 फुट पंख है और यह अद्भुत 150 टन तक कार्गो ले जा सकता है। यहां तक कि यह 350 लोगों को अपनी विशाल कार्गो में ले सकता है। विडंबना यह है कि जब नाटो के देशों को इराक और अफगानिस्तान में ऑपरेशन के दौरान अधिक भारी क्षमता वाले वाहन की आवश्यकता थी, तो वे इस विशाल विमानों में से कुछ लीज के लिए तैयार किए गए थे। Tupolev TU-160। यह सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है जो बड़े बॉम्बर्स बनाता है। 1980 के दशक में सोवियत यूनियन ने ब्लैक जेट नामक TU-160 बॉम्बर का अनावरण किया। इस जेट संचालित बॉम्बर में 190 फुट पंख है और 300 टन का टेक ऑफ वेट है, जो कि इसे दुनिया का सबसे भारी युद्ध विमान बनाते हैं। यह विमान लगभग 40 टन बम और क्रूज मिसाइलों को ले जा सकता है और मैक 2 के शानदार गति से उड़ सकता है। सेवा में लगभग 16 ही हैं, लेकिन अफवाह है कि जल्द ही इनका फिर से निर्माण शुरू हो सकता है। बोइंग 747-8। 1970 के दशक में बोइंग 747 को जंबो जेट के युग में शुरू किया गया था। पार्शल डबल डेकर 747 ट्रांस एटलांटिक यात्रा का चेहरा बन गया। यह एक समय में कई सौ यात्रियों के ले जाने के सक्षम था। लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं, इस विमान के नए संस्करण अब तक उड़ रहे हैं और उड़ान भरने का रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं। बोइंग का सबसे नवीनतम संस्करण 747-8 है और यह दुनिया का सबसे लंबा यात्री विमान है। वास्तव में 250 फीट की लंबाई में यह पैसेंजर लाइनर विशाल B-52 बॉम्बर की तुलना में 90 फीट अधिक है। कार्गो के लिए मालवाहक संस्करण भारी है और प्रभावशाली AN-124 से अधिक वजन ले जा सकता है, जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादन कार्गो बनाता है। एयरबस A380। कुछ ऐसे विमान हैं जिन्हें देखकर लगेगा नहीं कि ये उड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए एयरबस A380 ही ले लो। यह विमान जंबो जेट शब्द को एक नए स्तर पर ले जाता है। 261 फुट पंख और पूर्ण डबल डेकर लेआउट के साथ A380 एक 747 जैसा दिखता है, जिसे और भी बहुत सारा खाना खाना है। यह आसानी से 500 यात्रियों को ले जा सकता है और खाली होने के बाद इसका वजन 300 टन है। हाँ, यह काफी बड़ा है। एंटोनोव AN-225। जब रूस में एक स्पेस शटल प्रोग्राम था, तो उन्हें अंतरिक्ष यान को चारों ओर ले जाने के लिए एक विमान की जरूरत थी। जवाब में क्या मिला? एक AN-124 ले लो और इसे बड़ा करो, एक नई पूंछ और दो इंजन लगा दो, आपको जो रिजल्ट मिलेगा वही AN-225 है। 275 फुट लंबा और 290 फुट पंखों वाला यह दानव वर्तमान में पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। अगर आप यह देखना चाहते हैं कि यह विमान कितना वजन लेकर उड़ सकता है, तो 2001 में AN-225 में 4 मुख्य युद्ध टैंकों के साथ उड़ान भरी थी, जिसका वजन 280 टन था। हालांकि वर्तमान में केवल एक ही सेवा में है, अफवाहें और रिपोर्टों से पता चलता है कि AN-225 का उत्पादन एक बार फिर से सबसे बड़े उत्पादन कार्गो विमान के रूप में हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसे और भी रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।